वो कहीं दूसरे घर में चोरी करती या कहीं और चोरी करती तो समझ में आता, मतलब उन्होंने लिटरली अपनी बहन के घर में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो बहन कितनी सच्ची होगी पहले और कितनी ईमानदार होगी। मगर आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जस्ट इमेजिन कि जब आज उन पे बीती तो उन्होंने अपनी सगी बहन को जेल भिजवा दिया। बट मुझे जेल भिजवाने से पहले उस लड़की ने एक बार नहीं सोचा कि मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, मेरी एक बहन की गंदी हरकत मतलब गलत हरकत में साथ दे रही हूँ। और जब आज उनके साथ खुद जब उनकी बहन ने ऐसा किया तो उनको कितना बुरा लग रहा है। पर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करते समय उस औरत ने, वो क्या नाम है उनका मैं नाम ही नहीं जानता हूँ, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, बट आज जब आप पे बीत रही है तो आपको कितना गंदा लग रहा है जो आप अपनी बहन को ही नहीं छोड़ रहे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आपके साथ बीत रही है तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके झूठे इल्ज़ामों के साथ मेरे साथ क्या बीती होगी और मेरे परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। इतना बड़ा मानहानि का मसला हो गया है, आप अब क्या स्टेप लेने वाले हैं? देखिए, जब मैं जेल से बेल से बाहर आया था तो मैंने सबसे पहले बताया था कि मेरा कोई केस नहीं था। अगर मेरा केस होता तो सबसे पहले सब जानते हैं कि मुझे बेल नहीं मिलती। मुझे बेल भी जल्दी मिल जाती मगर कुछ वेकेशन चल रहे थे, इसकी वजह से मुझे कुछ 40 दिन जेल में काटने पड़े थे। मगर मेरी एक बारी सुनवाई में मुझे बेल मिल गई थी क्योंकि मेरा केस पूरा फॉल्स था। मेरी FIR में इतनी लूपहोल्स थी, इतनी झूठ बातें थी जो कि जज साहब को समझ में आया, उन्होंने मतलब तुरंत मुझे रिहा किया। एंड उसके बाद मैंने आपको आगे बताया था कि मुझे बेल पे जमान मैं बेल से बाहर आया हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा आधा केस तो ख़त्म ही हो चुका है। और आज आपके सामने ये सब बातें जब आ रही हैं कि उस तरह का वो लड़की का कैरेक्टर है, और जब ये कानूनी तौर से जब बेंच में जाएगा, जब मेरा केस स्टार्ट होगा, तो ये सब बातें जब उनको समझ में आएंगी मतलब दिखाई जाएंगी कि जो लड़की का कैरेक्टर ये है, मतलब ये तो मतलब बहुत ही अपसेटिंग है। मतलब कि अगर वो कहीं दूसरे घर में चोरी करती या कहीं और चोरी करती तो समझ में आता, मतलब उन्होंने लिटरली अपनी बहन के घर में, जिस बहन ने उन्हें पनाह दी, जिस बहन ने उनको खाना खिलाया, कुछ दिनों के लिए रखा अपने घर पे, उसी बहन को उन्होंने नहीं छोड़ा और उनके साथ इतना बुरा किया। तो वो इमेजिन करिए कि मेरे केस के लिए वो कितना ईजी होने वाला है। और जब वो इजी होने वाला है तो डेफिनेटली मेरा सब तो वाइंड अप होने वाला है, मगर वाइंड अप होने के बाद जो कुछ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरी जो ज़िंदगी की आगे की जो लड़ाई है, वो मैं सबको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मेरा अब फिल्मी करियर फिर से शुरू हो गया है। क्योंकि आज जो मैं शूटिंग कर रहा हूँ, एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, एंड आई एम प्लेइंग अ मेन लीड इन द फिल्म। फिल्म का नाम है फटी पड़ी है यार, डायरेक्टेड बाय प्रेम गिद्दानी, और एक इट्स अ वेरी यूनिक फिल्म। जैसे मैं बता रहा हूँ, अपने नाम ही एक अपने आप में यूनिक है, एंड इट्स अ कॉमेडी फिल्म। और मेरी ज़िंदगी तो शुरू हो ही चुकी है, मगर इसके साथ जो मेरी ज़िंदगी है, मैंने अपने बुरे वक्त मैं मतलब बुरा वक्त देखा है और जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा सेटबैक लगा है मेरी लाइफ को, मैं एक एक चीज़ का मतलब कानूनी तौर पे इनका एक एक चीज़ का मुझे, मैं तो यही चाहूँगा कि लॉ मैं जानता हूँ अपने लॉ और दुनिया के किसी में लॉ में किसी के साथ अगर इतना बुरा होगा तो कानून ज़रूर मेरा साथ देगा। और जितना बुरा इन्होंने मेरे साथ किया है कानूनी तौर पे, मैं इनके साथ उतना ही बुरा करने वाला हूँ, और मुझे इंसाफ मिलेगा और उस इंसाफ की इन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, वो फॉर श्योर है। सर, आप जैसे आप सिंपल बात समझ सकते हैं कि वो मतलब पैसे की, मतलब एक चोरी इंसान करता तो डेफिनेटली पैसे के लिए, या एक अच्छा इंसान करता, मतलब देखिए हर किसी का एक अपना सीन होता है, मगर इनका डेफिनेटली जो सीन है वो पैसे का ही है। और बहन के घर चोरी की वो भी पैसों के लिए की है, और जो मुझे ट्रैप किया गया था, मुझे फंसाया गया था, मैं अभी आप लोग आपके सामने ओपनली नहीं बोलना चाहता हूँ, बट इन अ टाइम यू विल गेट टू नो कि ये क्या था क्या नहीं था, एंड इट्स फॉर श्योर कि आपके सामने अब तो बहुत जल्द आने वाला है सब कुछ। अगर आपको उसे कुछ मैसेज देना होगा तो आप उसे क्या बोलेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ, मैं सबको देना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट प्ले विद एनीबडीज लाइफ। आज उस लड़की ने भले ही पैसे के लिए किया है या खुंदक के लिए किया है या किसी के कहने पर किया है, यू तो डेफिनेटली वो नो पे फॉर इट। एंड यही नहीं, और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो जो लोग इसमें जिन्होंने उसका साथ दिया है, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि डेफिनेटली इसके पीछे मुझे बहुत मालूम है एक अच्छा खासा एक सपोर्ट और रैकेट वाला जो सपोर्ट होता है। कि ईमानदार लोग होते तो डेफिनेटली बोलते यार क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, डेफिनेटली वो रॉन्ग माइंडेड और मतलब घटिया इंसान ही हो सकते हैं जिन्होंने ये सब बारे में सोच के किसी की मदद की होगी और मुझे फंसाया है। वो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आई विल मेक श्योर दे विल पे फॉर दिस। और आपको क्या लगता है कि
और जैसे आपने बताया कि आप कोई फिल्म की शूट कर रहे हैं अभी, फटी पड़ी है यार, तो आपको एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे अभी सब तरफ बातें बोली जा रही है कि बिग बॉस के लिए इंद्र कुमार अगर बुलाया जाए, अगर आपको कॉल किया जाए तो आप बिग बॉस में जाना पसंद करोगे? सी, मैं बिग बॉस के बारे में डेफिनेटली इस समय कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ. अगर मुझे कॉल आता है और इफ़ इट्स मतलब मुझे लगता है कि मुझे अच्छा, मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं डेफिनेटली करूँगा. और मैं कोई फुटेज के लिए या मैं अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए बिग बॉस नहीं जाना चाहता हूँ. मैं एक गेम की तरह जाना चाहता हूँ. जो इनोसेंस दिखानी थी या समझानी थी वो तो आपको एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ ही रही है. उसके लिए मुझे बिग बॉस की ज़रूरत नहीं है. बट डेफिनेटली हाँ, बिग बॉस इज़ अ स्टेज वेयर जो मेरी लाइफ को एक स्टेज सेटबैक लगा है. अगर मैं बिग बॉस में जाता हूँ डेफिनेटली मुझे एक पुश मिलेगा वहाँ से, और एक मेरे को अच्छा स्टेज मिलेगा जहाँ पर मैं अपने आप को एक अच्छी तरह से पेश कर सकूँगा, एक डिफरेंट फॉर्मेट में दिखा सकूँगा कि भाई दिस इज़ वॉट इंद्र कुमार इज़ ऑल अबाउट. Thanks, Sally.